या 150 सीसी सेगमेंट में कोई भी गाड़ी इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं करती है। अब इस गाड़ी में जब आपको गियर शिफ्टिंग में एक क्विक शिफ्टर मिल गया है और अब जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आ गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आ गया, और 7,500-8,000 RPM के बाद गाड़ी में एक अलग सी जान निकल के आती है। और हाँ, वो LED है, इंडिकेटर्स यहाँ आकर दे देते, काफ़ी अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव क्राफ्ट, दिस इज रुपेश हियर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज हमारे पास है फाइनली यमहा R15M, और यमहा ने रिसेंटली R15 V4 और R15M को लॉन्च किया, और ये गाड़ियाँ लॉन्च होने के साथ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इन गाड़ियों को लेके आना एक रिव्यू वीडियो के लिए। बट फाइनली अब हमें गाड़ी मिल चुकी है, और इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं इस गाड़ी के बारे में। यमहा ने ठूस ठूस के फीचर्स बनाए हैं, और जो भी एक्सपेक्टेशन रहती थी यमहा से हमेशा, वो सब फीचर्स यमहा ने इस गाड़ी में दे दिए हैं, और काफ़ी सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी दिए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं यमहा R15M के बारे में। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की इस गाड़ी के लुक से। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि गाड़ी बहुत ही बेहतरीन दिखती है, बहुत ही अच्छा काम किया। और हमेशा से R15 एक बहुत ही बेहतरीन दिखने वाली गाड़ी है, बहुत ही शार्प, बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही स्पेशल सी दिखने वाली गाड़ी है। और स्पेशली इस वेरिएंट में, जो ये M वेरिएंट में जो आपको ये कलर स्कीम मिल जाती है ब्लैक, ब्लू और सिल्वर कलर में, ये काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती है ये अपने बड़े भाई से, जो कि R1M है, जो कि यहाँ की फ्लैगशिप है। अब अगर आप साइड से देखें, साइड से भी गाड़ी काफ़ी बल्की लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही गॉर्जियस लगती है, और मेरे हिसाब से ये सेगमेंट की बेस्ट लुकिंग बाइक है, और हमेशा से थी, और इस बार और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। यमहा हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट करता है R15 के साथ, अब लुक्स में भी स्टैंडर्ड सेट करता है, और बाकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स और इंजन में भी एक स्टैंडर्ड सेट करता है। तो फ्रंट में चाहे आप बात कर लो इस हेडलैम्प सेटअप की, ये DRLs की, ये प्रोजेक्टर यूनिट की, ये टोटल एक जो फ्रंट काउल का डिज़ाइन है, फ्रंट फेयरिंग का डिज़ाइन है, टैंक का डिज़ाइन है, सब कुछ काफ़ी अच्छा लगता है। अलॉयज ले लो आप, एग्जॉस्ट ले लो, सब कुछ बहुत बेहतरीन लगता है। ये साइड से बाइक का लुक। रियर से कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, रियर अभी भी एग्जैक्टली V3 वाला ही आपको मिलता है, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से बाइक के साथ जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की फ्रंट से। तो फ्रंट से बाइक कुछ आपको ऐसी दिखती है, फ्रंट फेयरिंग कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड है, जो हेडलैम्प असेंबली यूनिट है ये भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड है, यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको क्लास डी प्रोजेक्टर यूनिट मिलता है बाई डायरेक्शनल, जिसमें आप हाई बीम और लो बीम दोनों एक ही प्रोजेक्टर मिल जाती है। इल्यूमिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा, रात में काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन है, और बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है V3 के बाद से इसके इल्यूमिनेशन में, काफ़ी अच्छे तरीके से रोड को लिटअप करता है। और यहाँ पे अगर साइड से बात कर लें, तो यहाँ पे आपको अब फाइनली R15 में अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं KYB के, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है, हैंडलिंग वाइज गाड़ी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे इसके अलॉयज का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, और R15M में आपको यहाँ पे ब्लू कलर का डिज़ाइन मिलता है, ब्लू कलर का अलॉय मिल जाता है। जो नॉर्मल R15 आती है V4, उसमें आपको बॉडी कलर या फिर ब्लैक या फिर जो भी कलर गाड़ी का होता है उस हिसाब का अलॉय मिलता है, उस कलर का अलॉय मिलता है। और साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं V4 में और M में, वो बेसिकली सिर्फ कलर स्कीम के हैं और थोड़े बहुत फीचर्स के हैं। इस गाड़ी में क्विक शिफ्टर स्टैंडर्ड आता है, R15 V4 में आप उसको अलग से लगवा सकते हो एक्सेसरी की तरह। और अगर टैंक की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक R15M का एम्बलम या फिर बैज मिल जाता है, और यहीं पे अगर आप R15 V4 की बात करो, तो ये जो आपको स्मार्ट कनेक्ट या फिर मोटरसाइकिल कनेक्ट वाला साइन है, वो यहाँ पे मिलता है, और R15 V4 में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो ये हो गई एक कॉस्मेटिक डिफरेंस की बात। रियर से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, और रियर में आपको अगेन यहाँ पे LED टेल लैम्प मिलता है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ ने फिर से नहीं सुधारी है, और कह सकता हूँ इकलौती वही कमी मुझे लगी इंडिकेटर्स में, वो अभी भी हैलोजन ही मिलते हैं, पता नहीं क्यों बट मिलते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको R15M की बैजिंग मिल जाएगी, देन यहाँ पे आपको ABS की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे R15M क्विक शिफ्टर इस गाड़ी में आता है जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, यहाँ पे आपको यमहा की बैजिंग मिल जाएगी अगेन, और यहाँ पे आपको यमहा का जो एम्बलम है ये काफ़ी 3D टाइप का मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको टैंक में आपको वेंट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे आपको VVA की बैजिंग मिल जाएगी, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। सो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की, तो शुरुआत करते हैं स्पेसिफिकेशंस से। इंजन की अगर बात करें तो इंजन अभी भी सेम है, 155cc का सिंगल सिलेंडर मोटर, 4 वॉल्व, लिक्विड कूल, जो प्रोड्यूस करता है 18.2 PS की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको VVA मिल जाता है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, जिसकी वजह से गाड़ी हायर RPMs में भी पावर टेपर ऑफ नहीं होने देती है और एक लीनियर पावर आपको हायर RPMs तक भी मिलती जाती है, और जिसकी वजह से गाड़ी को चलाना काफ़ी फन टू राइड एक्सपीरियंस बन जाता है। इंजन बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही स्मूथ है। सो बात करें अगर गेयरबॉक्स की, तो इसमें आपको टिपिकल जैपनीज टाइप का गेयरबॉक्स मिलता है, जिसमें आपको 6-speed का गेयरबॉक्स मिल जाता है। इसमें अब आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, और इसके बाद अगर बात करें ब्रेक्स वगैरह की, तो फ्रंट में आपको 282mm का बाइब्री के डिस्क मिल जाते हैं, पीछे आपको 240mm के डिस्क मिल जाते हैं। ड्यूअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है गाड़ी में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब बात करें मिलने वाले फीचर्स की, तो पहला जो सबसे प्रोमिनेंट चेंज आपको गाड़ी में दिख जाएगा वो है इस गाड़ी में आपको अब अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं KYB के, जो कि हैंडलिंग को काफ़ी इंप्रूव करते हैं और बहुत ही एंटिसिपेटेड फीचर था। बहुत लोग को ये उम्मीद थी कि वर्जन 3 में यमहा ये चीज़ दे देगी, बट यमहा ने नहीं दिया, लेकिन इस वेरिएंट में वर्जन 4 में और R15M में दे दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा जो बड़ा फीचर है वो है क्विक शिफ्टर का। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर दिख जाएगा, ये है इस गाड़ी का क्विक शिफ्टर। अब बहुत सारे लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं मालूम होगा कि क्विक शिफ्टर होता क्या है, बट जिनको नहीं मालूम है उनको मैं एक सिंपल टर्म में समझा देता हूँ। क्विक शिफ्टर से बेसिकली आपको क्लचलेस और थ्रॉटल लेस गियर शिफ्टिंग में हेल्प मिलती है, मतलब अगर आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो और हायर RPM से चल रहे हो और आपको गाड़ी का गियर चेंज करना है, तो वहाँ पे आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, थ्रॉटल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे होता क्या है, जो एक्सेलरेशन है गाड़ी का वो टाइमिंग्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं और बहुत क्विक हो जाती है गाड़ी, मतलब गियर शिफ्टिंग में आपको थ्रॉटल नहीं छोड़ना पड़ता, वापस से एक्सेलरेट नहीं करना पड़ता, आप और बेहतर टाइमिंग्स निकाल पाओगे। होता क्या है इसमें, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है और जैसे ही ये गियर लीवर कोई मूवमेंट सेंस करता है, ये ECU को एक सिग्नल भेजता है, जिससे ECU क्या करता है, थोड़ी देर के लिए थ्रॉटल ब्लिप कर देता है और एक पावर कट करता है, और वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और गियर शिफ्टिंग को फैसिलिटेट करता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस सेगमेंट में और मेरे ख्याल से एक आध सेगमेंट ऊपर की गाड़ी में भी ये फीचर पहला है, और R15M में ये स्टैंडर्ड आता है, बट आपको V4 में भी ये एसेसरी की तरह आप इसको लगवा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और तीसरा जो बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर इस गाड़ी में मिल जाता है आपको, वो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है और बहुत ही प्रीमियम बाइक्स में आता था, आज तक अब R15 में भी आने लग गया है। अब उसमें क्या होता है कि जब भी गाड़ी के जो सेंसर्स होते हैं वो व्हील स्लिप या फिर लॉस ऑफ ट्रैक्शन डिटेक्ट करते हैं, जहाँ पर गाड़ी की टायर फिसल रहा होता है, वहाँ पे वो ECU को एक मैसेज सेंड करते हैं और पावर को कट ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी ट्रैक्शन फर्दर लूज़ नहीं करती और आपकी कंट्रोल में आ जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है और जनरली जो हायर सेगमेंट की बाइक्स होती हैं, परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, उसमें आता ही आता है और इस गाड़ी में भी आ चुका है। अब वो कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको फ्रंट में ABS की रिंग दिख रही होगी और रियर में भी ABS की रिंग दिख रही होगी। अब ये दोनों रिंग्स हैं, इन पे सेंसर्स लगे होते हैं, ये ही डिटेक्ट करते हैं लॉस ऑफ ट्रैक्शन और यही ECU को मैसेज भेजते हैं। ये जो ओवरऑल फीचर है ट्रैक्शन कंट्रोल का, काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी यूजफुल फीचर है और एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है जब भी आप एग्रेसिव राइडिंग करते हो तब। तो ये तीन फीचर्स डालने के बाद ये R15 जो पहले एक बहुत ही फन टू राइड मोटरसाइकिल थी, अब एक बेटर मोटरसाइकिल हो गई है। उस गाड़ी में कोई स्लिपर क्लच मिल जाता है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, जो कि पहले भी मिलता था, बट वो भी आपकी जो एग्रेसिव राइडिंग स्टाइल जो इस गाड़ी के साथ यूजुअली लोगों की हो जाती है उसमें फैसिलिटेट करता है। सीट्स की अगर बात करें तो अब चूँकि ये बहुत ही कमिटेड और बहुत ही अग्रेसिव राइडिंग वाली बाइक है, तो सीट्स उसी हिसाब से हैं, ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाता है आपको। और R15M में आपको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन फिनिश मिल जाती है सीट्स पे, वर्जन 4 में सिंपल सीट्स मिलती हैं, ये भी एक डिफरेंस है। वर्जन 4 में आपको यहाँ पे R15M वाली बैजिंग नहीं मिलेगी, इसमें आपको मिल जाती है। ग्रैब हैंडल्स आपको ऐसे फिजिकल नहीं मिलते हैं, बट अगर डिज़ाइन में ही आप देखो तो इनको ही आप इस सेगमेंट को ही आप ग्रैब हैंडल की तरह यूज़ कर सकते हो। सस्पेंशन की बात अगर करूँ तो फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है जो कि पहले भी मिला करता था, काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा चेंज किया है इसका, ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है बाइक की। बाइक कहीं से भी मतलब एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक नहीं लगती है, मतलब फिट एंड फिनिश, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज, चाहे आप फाइबर की बात कर लो, चाहे आप फेयरिंग की बात कर लो, चाहे स्विच गियर की बात कर लो, काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। अब बात कर लें अगर इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको क्या क्या फीचर मिलता है, तो यहाँ पे आपको अगेन ये रिवाइज इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपको ये जो ऊपर यूनिट है, ये पूरा
रिवाइज मिलता है, बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, ब्लूटूथ कनेक्ट मिल जाता है, यामाहा का मोटरसाइकिल कनेक्ट का फीचर भी मिल जाता है, जिससे आप अपनी गाड़ी की स्टैट्स के बारे में, लोकेशन के बारे में, राइडिंग स्टाइल के बारे में जान सकते हो, आप फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह के बारे में जान सकते हो। अब अगर बात करें इसमें मिलने वाली इन्फॉर्मेशन की, तो आपको बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आपको मैसेज और कॉल अलर्ट्स के भी लाइट्स मिलती हैं। अगर मैं आपको फिर से जला के दिखाऊं, ये देखो आप, मैसेजिंग के यहाँ पे कॉल अलर्ट्स के भी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे लाइट मिल जाती है, ABS की लाइट मिल जाती है, और बाकी आपके हाई बीम, न्यूट्रल, इंजन माल फंक्शन की लाइट तो मिल ही जाती है। इस गाड़ी में आपको कूलेंट टेम्परेचर मिल जाता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड वगैरह मिल जाती है। इसका दो, इस मीटर का दो लेआउट है। अगर आप यहाँ से, जिसको आप यहाँ से इस मीटर को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से अगर आप देखो तो इसमें आपको ट्रैक का भी ऑप्शन मिल जाता है, दो सेटअप है इसका, ट्रैक का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रीट का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रैक वाले में आपको जो आपकी रेसिंग वाली इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मतलब लैप टाइमर हो गया, हाईएस्ट स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्पीडोमीटर मिलता है आपको, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है आपको, RPM टैकोमीटर मिल जाता है, फ्यूल मीटर मिल जाता है, कूलेंट टेम्परेचर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है, ट्विन ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, तो बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। VVA की लाइट मिल जाती है आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे सेटअप का दो लेआउट है, एक है स्ट्रीट लेआउट और एक है ट्रैक लेआउट। जैसे कि ये जो लेआउट है, ये ट्रैक लेआउट है, जहाँ पे आप लेटेस्ट लैप टाइमर वगैरह का फीचर मिल जाता है, और यहाँ पे आप फास्टेस्ट लैप का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगेन इसको स्ट्रीट मोड में डाल देते हैं, वापस ये स्ट्रीट मोड में आ गया। यहीं पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, लीटर्स पर 100 किलोमीटर एवरेज, ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्विच गियर की अगर बात करें तो स्विच गियर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगता है। ये है आपका हाई बीम, लो बीम, ये है इंडिकेटर, ये है इस गाड़ी का हॉर्न, और हॉर्न काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस गाड़ी का। ड्यूअल हॉर्न स्टैंडर्ड आता है इस गाड़ी में, क्योंकि तो गाड़ी के नेचर को, कैरेक्टर को सूट करता है। और इसमें आपको शिफ्ट लाइट भी मिल जाती है यहाँ पे, और ये पुरानी शिफ्ट लाइट से थोड़ा सा हटके है। इसमें आपको 5 लाइट्स मिलती हैं, जो कि जो एक गियर शिफ्टिंग की रेंज होती है, वो आपको नंबर ऑफ़ लाइट्स जलती चली जाती है। जैसे जैसे आप गियर शिफ्टिंग की रेंज में आते हो, 1, 2, 3, 4 लाइट जलती है, जो कि आपको बताती है कि आपको गियर चेंज कर लेना चाहिए। तो ये हो गई आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात। और या जो इस, ये जो काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें उसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। 2-way स्विच है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इंजन किल और स्टार्ट स्विच इंटीग्रेटेड मिलता है। और ये है इस गाड़ी का हैज़र्ड लाइट, इस गाड़ी में आपको हैज़र्ड लाइट वगैरह भी मिल जाती हैं। एसेसरीज़ की बात करें तो एसेसरीज़ भी इस गाड़ी में खूब ढेर सारी आपको मिलती हैं। इसमें आपको ऑप्शनल मोबाइल चार्जर मिल जाता है, आपको स्किड प्लेट्स मिल जाते हैं, आपको फ्रेम स्लाइडर्स मिल जाते हैं। डायमेंशंस की बात मैंने आपको बता दी कि 815 mm की सीट हाइट मिल जाती है। 142 किलोग्राम का इस गाड़ी का कर्व वेट है, जो कि अगेन काफ़ी लाइट है, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी फन टू राइड हो जाती है। डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे होती है, और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की हैंडलिंग मतलब जानी जाती है R15 अपनी हैंडलिंग वगैरह के लिए। तो ये हो गई सारी डिटेल्स। टायर्स की अगर बात करूँ मैं, तो टायर्स आपको फ्रंट में 100x80 सेक्शन के 17 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं, और पीछे आपको 140x70 सेक्शन के 17 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गई ओवरऑल फीचर्स वगैरह की बात। अब चलते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं और बताते हैं आपको कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है इस स्पेसिफिक मॉडल में, और ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका क्या फ़ायदा मिलता है आपको। सो अब शुरू करते हैं इस बाइक की राइड, और बताते हैं आपको गाड़ी चलने में कैसी है। ऑल्दो मैं इस गाड़ी को पिछले 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो एक फेयर आइडिया है कि गाड़ी कैसी है चलने में, बट मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस राइड में। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और जैसे ही गाड़ी को साइड स्टैंड हटाते हो, आपको गाड़ी का जो लाइट वेट है वो फील होगा, और तुरंत ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो सीटिंग पोजीशन है, जो टैंक में आपके लेग्स ग्रिप करते हैं, जो हैंडल बार की पोजीशन है, ऑटोमेटिकली आपको एक फील हो जाता है कि आप एक एग्रेसिव बाइक और एक ट्रैक फोकस बाइक या फन टू राइड बाइक चला रहे हो। जो एक स्पोर्टी फील है वो इंटैक्ट रखी है, फुटपैक्स की लोकेशन, हैंडल बार की लोकेशन, और जिस तरीके से आप हल्का सा झुके हो तो एक कमिटेड पोजीशन में होते हो, वो सब चीज़ें हैं। एक फील है अभी भी इस गाड़ी में, और इम्प्रूव ही हुआ है पहले से वो। तो बात करें अगर इंजन की, तो जो हार्ट ऑफ द मैटर इंजन है वो अभी भी सेम है, वर्जन 3 वाला ही है, BS6 स्टेट ऑफ ट्यून में है, और इसमें आपको 18.2 PS की पावर मिल जाती है, और 14.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। पावर फिगर सेम है, बट अभी भी सेगमेंट में बेस्ट है। राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, तो लोअर RPM में गाड़ी काफ़ी रिफाइंड है, एडिकेट टॉर्क है, बहुत ईजिली गाड़ी उठ जाती है, कोई लैक ऑफ टॉर्क फील नहीं होता है, और कोई बहुत ज़्यादा पंची भी लोअर RPM में फील नहीं होती है। और मिड रेंज में गाड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है, और वहाँ पे भी, लेकिन आपको अभी जो एक्चुअल फन है गाड़ी का वो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, एक 150 cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा मिड रेंज में परफॉर्म करती है।
जो इस गाड़ी का कमाल है वो आपको हायर आरपीएम में फील होता है, जहाँ पे आप गाड़ी को पुश करना शुरू करते हो 7000 आरपीएम के ऊपर, वहाँ पे इस गाड़ी का जो VVA है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, वो प्ले में आता है और वहाँ पे आपको ये एक्साइट करती है और आपको शॉक भी करती है एक तरीके से पावर से, क्योंकि यूजुअली हमारे जो ब्रेन में चल रहा होता है वो होता है कि हायर आरपीएम में जाने के बाद गाड़ी का पावर टेपर ऑफ होता है, बट R15 में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंजन इसीलिए इतना फेमस, इसीलिए इतना पॉपुलर है यंगस्टर्स के बीच में, कि हायर आरपीएम पे भी ये गाड़ी बहुत बेहतरीन पावर देती है और आपको एकदम मज़ा आ जाता है। तो अगर मैं इस गाड़ी को यहाँ से पुल करना शुरू करूँ तो यहाँ पे गाड़ी नॉर्मल चल रही है और हम 5000 आरपीएम पे, 6000, 7000 स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे VVA किक होता है और यहाँ पे गाड़ी अगेन एक नई स्पिरिट के साथ पुल करना शुरू करती है, जो कि आपको बहुत ही फन टू राइड एक्सपीरियंस देती है। इसी वजह से ये इंजन के साथ यामाहा ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है और बहुत ही सही किया है। बात करें अगर गेयरबॉक्स की, तो इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाता है, टिपिकल जैपनीज गेयरबॉक्स, बहुत ही स्लीक शिफ्टिंग, कोई फॉल्स न्यूट्रल नहीं होता है, कोई फॉल्स गियर्स नहीं लगते हैं। और अब इस गाड़ी में जब आपको गियर शिफ्टिंग में एक क्विक शिफ्टर मिल गया है, तो वहाँ पे आपका जो ये हायर आरपीएम में गियर चेंजिंग वाला जो एक्सपीरियंस होगा वो और इनहेंस हो जाएगा। आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्सीलरेटर लेने की जरूरत छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्सीलरेटर को थ्रॉटल को पिन कर सकते हो फुल थ्रॉटल पे और आप गियर्स को चेंज कर सकते हो, जो कि एक एक्सपीरियंस, जो आपका जो स्पोर्टी एक्सपीरियंस है, जो एग्रेसिव फिर ट्रैक फोकस एक्सपीरियंस, उसको इम्प्रूव कर देता है। तो ये जो फीचर है काफ़ी हैंडी जाता है गाड़ी के नेचर के साथ, जो कि स्पोर्टी नेचर है इस गाड़ी का, उससे काफ़ी हैंडी जाता है। उसके बाद अगर बात कर लें क्लच सेक्शन की, तो क्लच सेक्शन काफ़ी लाइट है। और अब बात कर लें अगर नॉर्मल वाइब्रेशन वगैरह की, तो कोई खास वाइब्रेशन आपको फील नहीं होता है, बहुत ही स्मूथ इंजन है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, टिपिकल जैपनीज इंजन। और जो हीटिंग वीटिंग की जो प्रॉब्लम, क्योंकि फेयर बाइक्स में जनरली हीटिंग की प्रॉब्लम आती ही है, बट इस गाड़ी के साथ वो कुछ भी नहीं है। मैंने कल सिटी ट्रैफिक में भी इस गाड़ी को काफ़ी देर तक चलाया, वहाँ पे कोई भी हीटिंग की दिक्कत नहीं आई, ऑल्दो अब मौसम थोड़ा ठंडा भी होने लग गया है तो कोई भी हीटिंग की दिक्कत नहीं आई। और एक जो फीचर इस गाड़ी का है, जिसमें आपको यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर दिख, जैसे कि अभी इस गाड़ी का कूलेंट टेम्परेचर जो है वो है 85 डिग्री सेल्सियस। सो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सीटिंग पोजीशन वगैरह की। तो R15 हमेशा से एक कमिटेड बाइक रही है, एक अग्रेसिव बाइक रही है, और कंफर्ट के लिए कभी R15 जानी नहीं जाती है, और ना यहाँ इसको कंफर्टेबल बाइक की तरफ पिच करती है। ये एक ट्रैक फोकस या फिर एक फन टू राइड बाइक है। तो यहाँ पे जब आप ऐसी बाइक की तरफ जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, और ज़्यादा लोग को पता होता भी है, कि वहाँ पे आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। अब उसका रीज़न ये है कि जब भी आप एक हाई स्पीड में चलने वाली बाइक लेते हो, जिसका जिसकी कैपेबिलिटी है हाई स्पीड में चलने की, तो वहाँ पे ना आपको एक हमेशा कंट्रोल वाली पोजीशन में रहना होता है। अब जब वो कंट्रोल वाली पोजीशन में रहते हो, जिसमें आप लीन डाउन करते हो, आपके फुटपैक्स रियर सेट होते हैं, आपके पैर जो होते हैं वो टैंक को अच्छे से ग्रैप करते हैं, तो वहाँ पे आप एक रिलैक्स पोजीशन में नहीं बैठते हो, आप एक अलर्ट पोजीशन में बैठते हो, जो कि डिमांड भी होती है सिचुएशन की। तो उस वजह से बहुत कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो इस तरह की गाड़ी को चलाने का यूज़ टू है, उनको कहीं ना कहीं पता है कि कैसे अपने रिस्ट पे प्रेशर नहीं डालना है, हल्का सा बैक को स्टिफ रखना है, जिसकी वजह से आपको रिस्ट पे प्रेशर नहीं आएगा। तो जो ये प्रेशर होता है लीन डाउन का, वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शोल्डर्स में, बैक में और रिस्ट पे, जिसकी वजह से पेन नहीं होता है। बट अगर आप यूज़ टू नहीं हो और आप पहली बार ऐसी गाड़ी ले रहे हो, तो आपको ज़रूर थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा सा पेन होगा आपको, बट में पेन होगा, हल्का सा आपको रिस्ट में पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे आप यूज़ टू हो जाओगे। लेकिन उसके बाद भी, यूज़ टू होने के बाद भी, आप इस गाड़ी से टूरिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली वीकेंड फन के लिए, और जो थोड़ा हाई स्पीड राइडिंग करते हैं, जिनको मैन्यूरेबिलिटी अच्छी चाहिए, लाइट वेट चाहिए, फन टू राइड बाइक चाहिए, उनके लिए बाइक है। तो कंफर्ट तो टोल लेता है। अब बात कर लें अगर सस्पेंशन की, तो इस गाड़ी में फाइनली आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं 37mm के, और रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है एडजस्टेबल, और थोड़ा सा स्टिफली सेटअप है। अगेन, जो बाइक का कैरेक्टर है, स्पोर्टी कैरेक्टर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर, उसके लिए यही सेटअप परफेक्ट रहता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सेटअप में आपको अच्छी हैंडलिंग नहीं मिलती। कंफर्ट तो मिल जाता है, बट अच्छी हैंडलिंग नहीं मिलती है, और इस गाड़ी में आपको हैंडलिंग ही इस गाड़ी का जो है एक सेलिंग फैक्टर है। मतलब ये इतनी बेहतरीन हैंडलिंग वाली बाइक है, मतलब इस गाड़ी में अभी ये 18 BHP बनाती है, इस गाड़ी में आप 10-15 BHP और भी ऐड कर लो, उसके बाद भी ये जो फ्रेम है, डेल्टा बॉक्स फ्रेम, बड़े आराम से उस पावर को हैंडल कर लेगा, और बड़े आराम से आप इस गाड़ी को हाई स्पीड चला सकते हो, चाहे आप शार्प टर्न्स लो, चाहे आप कट्स लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमेशा एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता रहेगा गाड़ी चलाने में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और अगेन जो कैरेक्टर, जो नेचर है बाइक का, उसको सूट करता है। तो ये हो गई सस्पेंशन की बात। ब्रेक्स की अगर बात कर लें, तो ब्रेक इस गाड़ी में आपको आगे 282mm का डिस्क मिल जाता है, रियर में आपको 240mm का डिस्क मिल जाता है। अब ज़रा एक ब्रेक टेस्ट करें, तो राइट नाउ वी वुड बी डूइंग एनीथिंग अराउंड 40-45, और अगर मैं यहाँ पे गाड़ी का ब्रेक दबाऊँ,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइट है ब्रेक की, बहुत ही प्रोग्रेसिव है, और तो अगेन ब्रेकिंग भी काफ़ी हैंड टू हैंड जाती है गाड़ी के नेचर के हिसाब से, और इस तरह के ब्रेक्स ही चाहिए होते हैं। ABS बहुत ही वेल कैलिब्रेटेड है गाड़ी का, बहुत ही इंट्रूसिव नहीं है। और टायर्स की अगर बात करें तो जिसमें आपको जो MRF के टायर्स मिल जाते हैं यूरो ग्रिप के, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है 17 इंचेस का, और पीछे 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है 17 इंचेस का, तो अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और ओवरऑल ब्रेक्स की जो स्ट्रॉन्ग बाइट है उसको फैसिलिटेट करते हैं और गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से रुक जाती है। इसके अगर बात करें दाम की, तो R15 में आपको तीन वेरिएंट फिलहाल, अब जो वर्जन 4 या फिर फोर्थ जनरेशन में आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है या फिर R15 वर्जन 4 है, उसका जो ऑन रोड प्राइस यूपी में है वो 2 लाख के आसपास है, 1,99,000 के आसपास, 2 लाख के आसपास का दाम है। और अगर बात करें R15 M की, जो कि ये गाड़ी है, ये आपको पड़ जाती है 2,09,000 के आसपास, और इसका एक मॉन्स्टर एडिशन या फिर मोटर जीपी एडिशन आता है, वो शायद इससे 1,000 महंगा है, तो 2,10,000 में इसका आपको टॉप मॉडल मिल जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछो कि दाम के ऊपर क्या मेरा मतलब रिएक्शन है, तो देखिए जो फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं उसके हिसाब से दाम जस्टिफाइड है, वर्थ इट है। मतलब जो इक्विपमेंट लेवल आपको मिल रहा है, आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्विक शिफ्टर मिलता है, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही ड्यूरेबल इंजन मिलता है, रिलायबल इंजन मिलता है, अच्छा फ्रेम मिलता है, अच्छे ब्रेक्स मिलते हैं, लुक्स में कोई दो राय नहीं है, बेस्ट लुकिंग बाइक है 150cc सेगमेंट में। तो इस पूरे पैकेज के हिसाब से जो दाम है ना, वो वर्थ इट है। मतलब लगता है ज़्यादा कि हाँ 2,150cc सेगमेंट की बाइक के लिए, लेकिन इतनी एडवांस्ड और इतनी टेक्निकली साउंड बाइक का दाम ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो ये हो गई दाम वगैरह की बात। अब बात कर लें अगर माइलेज की, तो माइलेज इस गाड़ी में आपको, चूँकि इंजन वही है, वेट गाड़ी का 142 किलोग्राम से लाइट वेट है गाड़ी, और अगर इस गाड़ी को आप कंट्रोल तरीके से चलाते हो तो कहीं ना कहीं 45 से 50 के बीच का माइलेज बड़े आराम से ये दे देगी, और अगर आप उसको फ्यूल एफिशिएंट तरीके से चलाओगे तो आई गेस ये 50 भी टच कर जाएगी। अब आप उसको एग्रेसिवली अगर चलाओगे तो वहाँ ज़रूर माइलेज थोड़ा ड्रॉप करेगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी माइलेज की। सो अब कर लेते हैं एक छोटा सा परफॉर्मेंस टेस्ट, मतलब कि क्या फील है और किस तरीके से गाड़ी पिकअप करती है। तो राइट नाउ वी आर इन न्यूट्रल, सो वही नेचर जो R15 का पुराना है, एकदम एग्जैक्टली वैसी ही ये गाड़ी, और बहुत ही कमिटेड, और 7,500-8,000 RPM के बाद गाड़ी में एक अलग सी जान निकल के आती है, और हाई RPM से गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से पुल करती रहती है, और इट कीप्स ऑन पुलिंग। मतलब आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि हाँ गाड़ी हार मान रही है, और हाई स्पीड्स पे भी ये गाड़ी बहुत ही स्टेबल रहती है। जो स्टिफ सस्पेंशन है, जो रोड में नॉर्मल अंडुलेशन आते हैं उसको आप तक पहुंचने नहीं देता है, और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ नहीं होता है। और उसके साथ ही अगर बात कर लें कि कॉर्नरिंग वगैरह की, तो गाड़ी बहुत ही निम्बल और बहुत ही एजाइल फील होती है। आप बहुत ही ईजिली कट्स वगैरह लगा सकते हो, और हाई स्पीड में कॉर्नरिंग भी बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो एक कंप्लीट फन टू राइड पैकेज है। बात करें अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह की, तो जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो, आपको अपना लैप टाइमिंग वगैरह देखनी है, आप ट्रैक डेज कर रहे हो आपको लैप टाइमिंग देखनी है, फास्ट कितना फास्ट आपके हो, कितनी आपकी एवरेज स्पीड है। उसके बाद जो यूटिलिटी फीचर्स हैं, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, पर 100 किलोमीटर्स पर आपने कितना लीटर फ्यूल यूज़ किया है, फिर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी मिल जाती है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। और जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जैसे कि अपसाइड डाउन फोक्स, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है राइडिंग में, गाड़ी और ज़्यादा कंट्रोल में रहती है अब, और बहुत अच्छा और बेहतर हैंडलिंग हो गई है। उसके बाद क्विक शिफ्टर, अगेन जो हाई स्पीड राइडिंग है या फिर हाई स्पीड में गियर शिफ्टिंग है, उसको बहुत ही बेहतरीन कर देता है। ट्रैक्शन कंट्रोल एक एडेड सेफ्टी फीचर है, मतलब ट्रैक्शन लूज़ होने के वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर जो आपका जो एक मिसहैपनिंग होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है ट्रैक्शन कंट्रोल, काफ़ी अच्छी चीज़ है ट्रैक्शन कंट्रोल। और कहीं ना कहीं यहाँ ने एक एंट्री लेवल बाइकर्स को एक टेस्ट दे दिया इन सारी चीज़ों की, जो पहले बहुत ही महंगी बाइक्स में आया करती थी। अब आई डोंट नो कि इससे बेहतर क्या होगा 150cc सेगमेंट में, क्योंकि अब इतना इक्विपमेंट का, अब मेरे ख्याल से कोई इक्विपमेंट या फिर कोई फीचर बच ही नहीं रहा जो यहाँ को देना चाहिए, बस हाँ वो LED है इंडिकेटर्स यहाँ अगर दे दे तो काफ़ी अच्छा होगा। सो अब बात करते हैं कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप एक बाइक चाहते हो जो कि फ़न टू राइड हो, और आपको एक स्पोर्ट्स बाइकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अग्रेसिव बाइकिंग में मज़ा आता है, आप हाई RPM पे गाड़ी चलाते हो, आप ड्रैग्स वगैरह करते हो, तो वहाँ पे
अभी भी ये गाड़ी इतनी दमदार है कि अपने सेगमेंट की एक आध ऊपर गाड़ियों को धूल चढ़ा सकती है। 140 प्लस की इसकी टॉप स्पीड आपको मिल जाएगी। अभी भी सेगमेंट किंग R15 पहले भी थी और अब तो और बेहतर हो गई है, और अब माइल्स ऐड हो गई है, जो एक आध कंपटीशन में गाड़ियाँ आती हैं उनसे माइल्स ऐड हो गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब CBR 150 लॉन्च होती है उसमें क्या क्या मिलता है, क्योंकि यमहा ने तो बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इस बाइक के साथ। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वी आर दिस क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स, जल्दी से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और कोई अगर आपके सवाल हो, डाउट्स हो तो मुझसे ज़रूर पूछें आप, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।